उत्तराखंड के नैनीताल में लखनऊ से आए पर्यटकों ने मल्लीताल पुलिस को चालान से बचने के लिए विधायक बाप की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कई बेतुके तर्क देकर पुलिस पर अपना प्रभाव डालना चाहा। लेकिन मल्लीताल पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत धारा 177 में चालान करके ही छोड़ा। मिली जानकारी के अनुसार घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है, जहां नैनीताल में मल्लीताल कोतवाली के आगे रोजमर्रा की तरह पुलिस दो पहिया वाहन चालकों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच दो पर्यटक एक टैक्सी स्कूटी लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी रोका। पर्यटकों से स्कूटी के कागज मांगे गए तो वो बेफिजूल की बातें करने लगे और साथ ही पर्यटकों ने गाड़ी के कागजात मांगने पर अपने अधिवक्ता चाचा की मदद से मुकदमा करने की धमकी दे डाली। इस दौरान पुलिसकर्मी ने जब पर्यटकों को बताया कि नैनीताल में यूके की टीवी सीरीज बैन है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो किराए की गाड़ी के कागज कहां से लाएंगे। वहीं पुलिस वाले लगातार गाड़ी के कागज की मांग कर रहे थे तो उनमें से एक पर्यटक ने उन्हें भाजपा से विधायक अपने पिता की धमकी दे डाली, जहां पर्यटक उटपटांग बातें करके पुलिस को अपने चंगुल में लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस शांति से उन्हें टैक्सी स्कूटी के कागज मांगती रही। वहीं लखनऊ निवासी पर्यटक ने पुलिस को अपना नाम धर्मवीर बताया, जिसके बाद पुलिस ने उनका मेडिकल कराने की बात कही तो वो भड़क गए और इस दौरान कोतवाली के ठीक आगे हुए इस घटना में तमाशाबीनों की भीड़ लग गई।